तो हाँ, तो भाई ये देख, ये जो है ये मेरा सबसे पहला घर है जो मैंने सबसे पहले इस वर्ल्ड में बनाया है। तेरे को पहले इसका टूर कराता हूँ। देख ये कमाल का स्विमिंग पूल है, इतना भी कमाल नहीं है लेकिन नॉर्मल है। ये मैंने ये बस ये वाला घर जो मैंने यूट्यूब पे देख देख के बनाया था। मैंने पूरा यूट्यूब पे देख के बनाया कुछ चीज़ें छोड़कर, मैं तो बताऊँगा क्या क्या छोड़ रखा है। यहाँ मेरे दो कुत्ते बैठे हैं नॉर्मल से, जिनका नाम है तो देख सकता है, देखा भी दिखेगा। हाँ तो भाई तेरा नाम क्या था? आई थिंक तेरा नाम सिम्बा था। हाँ मैंने इसको अभी तक नाम नेम टैग नहीं दिया मैंने इसको अभी, इसका नाम लेकिन सिम्बा रखूँगा, इसलिए इसका कलर कॉलर पीला है। इसको नीला कॉलर दिया है बिल्कुल डार्क नीला, इसलिए इसका नाम शायद मैंने रखा था शीरो था इसका नाम शायद से, शीरो था हाँ इसका नाम। इन दोनों का मैंने नेम टैग नहीं पकड़ा शायद अभी, इसका नाम शीरो था। और यहाँ मैंने थोड़े शलकर भी रख रखे हैं, शलकर बॉक्स ऐसे थोड़ा माल, ये सारा मोब वाला माल है ये थोड़ा, मैं जो वहाँ से लाया था एक माइन शॉप में से वहाँ का माल है। यहाँ मैं नैदर का लाता हूँ सारा माल, और इसमें बाकी इंचेंटिंग का सामान है, बेड है, और भी तो देख सकता है जैसे कि ऊपर का रास्ता खींचा ना वैसे साइड वाले, ये ऊपर वाला एक बेडरूम है उसका रास्ता है। ऊपर वाला बेडरूम ज़्यादा खास नहीं, मैंने यहाँ पे एक पांडा पाल रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा, अभी चल कर मुझे खा लिया, इसको ही रख दे तो मेरे पास उतना नहीं रखा है। और यहाँ से एक दरवाज़ा बाहर बालकनी में जाने के लिए, बालकनी है ये बड़ी कमाल की, ज़्यादा कमाल भी नहीं है, नॉर्मल से बालकनी है बस। अभी तो बहुत कुछ है कवर करने को घर में, और फिर अब एक बेसमेंट भी है नीचे, उसके अंदर मैंने कुछ ऐसा बना रखा है जो मैंने नहीं देखा था यूट्यूब पर, खुद बनाया है। वैसे मैं इंसेंटिंग हूँ, मैं ये मैंने खुद बनाया यहाँ पे घर में, बाकी अंदर चेस्ट है, इसके अंदर मैंने आर्मर और तलवार रख रखी है अपनी। छोटा सा बाथरूम सही है बस, एनिमल रख रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओ, मंदिर आ गए, और बाकी यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक चेस्ट है जो मैं गेम सराय में खेल रहा था, सब कुछ इसके अंदर मैंने भर दिया था जो मेरे को मिला। और ये बाकी नीचे पानी की लिफ्ट है एक, नीचे ऊपर कैरो बना रखा है तो देख ही सकता है। ये मेरा एक नीचे वाला रूम है, मैंने खुद बनाया अपनी मेहनत से, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद बना। और ये मेरे दोनों कुत्ते हैं जाशियन और जामेंटा, जैसे मैंने बताया था ये जामाजेंटा है, मैंने गेम का फॉर्म रखा है इसलिए नाम नहीं दिखा रहा है इनके अभी, लेकिन ये जामाजेंटा है रेड कलर के कॉलर के साथ, और ये ब्लू के साथ जैशियन है। और ये बाकी मेरा आर्मर है, और बाकी मैंने थोड़ा काम करा था बहुत, और मैंने कारपेट से लिख रखा है इधर गोकू, ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा, देखिए रज्जी जी तेरे को दिख ही रहा होगा गो। और एक ये थोड़ा ऐसी बना यू जैसे बन सकता था मैंने बनाया ये रूम, एक के हाथ में बो है, एक के पास ट्राइडेंट, एक के पास तलवार और एक के पास पिकैक्स है, जैसे कि कोने में देख सकता है तू, और उसके पास तलवार है उसके पास पिकैक्स होगी, वो भी उसके हाथ घुसड़ा हुआ जमीन में। और ये बाकी ऊपर चलते चलो, बाकी भी बहुत कुछ है कवर करने को अभी, इस घर का तो ख़त्म हो गया जितना भी इस घर में था। अब मैं तेरे को अपना बाकी घर दिखाता हूँ, और भी सेकेंड घर थर्ड घर, उसके लिए पहले मैं टाइम चेंज करता हूँ, रुक रात हो रही है अभी। अरे सनराइज हो रहा है, देख मैंने यहाँ पे थोड़े घोड़े भी पाल रखे हैं अपने। और ये मेरा एक मैंने वॉच टावर बनाया था, मतलब लाइट हाउस एक तरह से, लाइट हाउस ही कह सकता है तो, लेकिन मैं सोचता हूँ ये मैंने सिर्फ देखने के लिए बनाया था, नज़ारे देखने के लिए अदर उसके, लेकिन मैं यहाँ से एलिट्रा भी उड़ाता हूँ कभी कभी। इसके अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा, खाली है ये लगभग पूरा, क्या लगभग क्या पूरा ही खाली है।
खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। मालिक ने ऐसा नजारा दिखता है एकदम, घर में नहीं था कुछ। हाँ चल कर रखे हैं, रॉकेट रख रखे हैं सुनने में, एलेक्ट्रा उड़ाने के लिए मालिक कुछ रख पड़ी तो सारा फोल्डिंग है, बाकी ऊपर जाने के लिए चारों तरफ दरवाजे हैं सिर्फ बाहर जाने के लिए, और तो कुछ नहीं है। जल्दी चल भाई ऊपर पहुँच ही गया आई थिंक, इतना लंबा था क्या ये, मैं पहुँच जा, पहुँच गया बस। ये सब कुछ चिपका हुआ रूम है एकदम, लेकिन नज़ारा सही है एकदम, बुरा नहीं है बिल्कुल, मस्त नज़ारा। बाकी मैंने चल कर रखे हैं दो रॉकेट ही भर रखे हैं सिर्फ, देखें अभी तक नहीं मिला और तो रॉकेट ही भरे हुए अलग अलग कलर के रंग में, इसमें देख ले रॉकेट ही भरे हुए और छत भी होगी। छत पे मैंने लाइटों का थोड़ा पैटर्न सा बनाया था, वो ऊपर से देखने पता चलता है, और बाकी सब ठीक है। यहाँ से कूद नहीं सकता फिलहाल, मैं सर्वाइवल में हूँ, तेरे भी नीचे चलते हैं और तेरे को बाकी का और भी दिखाता हूँ, काफ़ी कुछ है सच्ची में कवर करने को, मैंने बहुत कुछ बना डाला दो तीन महीने में। कूद रहा यार तू, पहले बाहर निकलो इधर से, वो देख शाम खुल जा, मतलब तो सामने देख सकता है एक लकड़ी का बना हाउस है, वो मैंने सर्वाइवल हाउस एक बनाने की कोशिश करी थी, और थोड़ी बहुत खेती कर कर रखी है, कुछ मिला सीड्स मिल गए पंपिंग को थोड़ा ही है, देखते हैं हाथ लाएंगे वो मैंने सर्वाइवल हाउस देखा, मैंने पानी के ऊपर बना रखा है वो मैंने ट्राई किया था बढ़िया बनाने का, लेकिन इतना बढ़िया बना नहीं आई थिंक। बाकी देख साइड में देख, मैंने नेदर और एंड पोर्टल बना रखा है, थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन करके देख दिखाता हूँ, ये मेरा वो है नेदर और यहाँ एंड है, एंड पोर्टल डिज़ाइन करके बना रखा है थोड़ा मस्त सा, लगे बेड ऐस सा लगे, बेड ऐस ही लग रहा है। और ये मैंने टनल बनाया था बस ऐसे ही, सोच रहा था तैर के जाऊँगा लेकिन टनल ही बना दिया, फिर उसके बाद पानी के ऊपर जो बनाएगा कुछ तो करना था। शायद रिकॉर्डिंग में ये भी लग रहा होगा गेम लैग कर रही है, लेकिन रियल में नहीं करती। देख पूरी इसकी ज़मीन मैंने कांच की बना दिया, रूम भी लगभग कांच के ही हैं ये भाई, तू देख सकता है अभी बिल्लाड़ी यार अंदर तो चला जा अंदर भी नहीं जा रहा है ये फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस और एनविल, ओ मिल गया और हाँ। और यहाँ पे मैंने थोड़े बैरल और चेस्ट लगाए कर दिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्त के लिए अपने, वो तेरी मैंने ग्लास तोड़ दिया गलती से, कोई नहीं लग जाएगा वो तो मैं लगा दूंगा, पर कि नीचे गिरने का खतरा है बस थोड़ा। यार चला जा, क्या प्रॉब्लम है, चला गया। यहाँ बेड लगा है, ऊपर जाने के लिए लैडर, ऊपर एक रूम है दिखाता हूँ, ऊपर वाला रूम भी, ये ऊपर जाने का ऊपर का रूम है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी छत है बस, नॉर्मल से छत ही है, ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं है, बस ये छत है, मगर अंदर चलता हूँ। बारिश हो रही है एक तो वैदर अच्छा बेकार जाता है, सब ठीक करता हूँ बढ़िया तरीके से, वेदर क्लियर और टाइम सेट नून, अब एकदम बढ़िया। और ये मेरा ऊपर वाले रूम है नॉर्मल साइज, मैंने इसके ऊपर थोड़े से ग्लेज टेराकोटा ग्लो स्टोन से थोड़ी कलाकारी करने की कोशिश करी है, लेकिन हो ही नहीं सकता हूँ तो इतनी, बाकी तो ठीक है, अभी भी बहुत कुछ है कवर करने के लिए, तो आज दिखाता हूँ बहुत कुछ बना दिया। चुपो क्या करो यार भाई, परेशान करते रहते तेरे भी मेरे भी,
और यहाँ मैंने ऑटोमेटिक, हाँ यहाँ से मेरा वो सी में जाने का रास्ता है, यहाँ से मैं समुंदर में घुसता हूँ वापस, वो बिना परमिट के। ओए ये ऑटोमेटिक वो डिस्पेंसर है, बोट डिस्पेंसर ऑटोमेटिक, बटन दबाऊंगा बोट आती है। और यहाँ से देख, ध्यान से देख, यहाँ से एक रास्ता है जो नीचे ऊपर जाने के लिए, पानी वाले लिफ्ट, और ये है मेरा पानी वाला रूम जो कि पानी के अंदर है जैसे कि तू देख सकता है। तो यहाँ पे लेकिन नाइट विजन लगा के आते हैं तो ज़्यादा मस्त लगता है, नाइट विजन अभी ऑन है क्योंकि कॉन्डोइट की पावर चल रही है मेरी। ये नाइट विजन मैंने लगा रहा, नाइट विजन यहाँ पे पी के आएगा तो मस्त लगेगा एकदम रूम। यहाँ मैंने बेड लगाया है, दो बेड लगाया और फिर से ऊपर लगाया। गिर गया, ऊपर भी कुछ ऐसे ही है, बस अगर नाइट विजन यहाँ पी लेंगे ला के तो पूरा पानी का एकदम क्लियर व्यू दिखता है, बहुत मस्त लगता है। मैं जाऊँगा वन चल कर रहा है लेकिन ये खाली है सब कुछ, मैंने कुछ रखा नहीं चेस्ट में, खाली है चेस्ट लगभग सब, लगभग सभी खाली है। भर दूंगा इन्हें भी कभी ना कभी, अभी तो यही है। और ये मैंने ऊपर झूमर बनाया क्योंकि घर की लाइट अलग अलग ग्लास लगा के और रेड स्टोन लैम्प लगा दिया ताकि लाइटिंग की कलर अलग है, तो आई थिंक आया नहीं। चलो अभी ऊपर चलते हैं, और भी कुछ है, और भी बहुत कुछ है बाकी है बहुत कुछ। लेट्स गो, चलो बे। चुप रहना, तेरे साथ जो ये गेट क्यों खुल रहा है यार, खोल अब तो खुद ही खोल, मैनुअली खोलना पड़ा, गेटों में बड़ी प्रॉब्लम है, लगता है ठीक करना पड़ेंगे, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। कुछ कर, तेरे यहाँ कोई माइनक्राफ्ट के बड़े मैकेनिक को तो भेज दी हो, ठीक है। और देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ है भाई, इसके पीछे कुत्ता आई थिंक, कुछ तो है गड़बड़ से यार, गड़बड़ छोड़ माली माल है बहुत सारा। और मेरा फ़ोन की 15% हो गई, कोई नहीं, चल तब भी जितने दिखाई जाए उतने तो दिखाई देंगे। अब मैं क्रिएटिव में लूँगी। ओए अब बात आने वाला लड़का, और भी दिखाता हूँ। अभी जो तू बोल रहा था ना स्लाइम ब्लॉक वाली वो मैंने बनाई, एक मैंने काट दिया फेंक दिया, उसके तो मैंने एक ट्रैम्पोलिन बना दिया था, दिख दिखाता हूँ, देखिए जरा मैं टावर जितना लंबा, आसमान छूती हुई इमारत, बुर्ज खलीफा आई मीन, ये वो ही है स्लाइम ब्लॉक वाला। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है मेरा बेस पानी के अंदर, अभी भी बहुत कुछ ऐसा चलाऊँ तो कवर करने को, तेरे को दिखाऊँगा। अभी पहले मैं इधर जाता हूँ, ओए ऊपर चढ़, सीक्रेट बेस भी है सच बताऊँ तो, एक सीक्रेट बेस भी है गया, पर वो मैं थोड़ा आखिरी में को दिखाता हूँ, इसके बाद ही दिखाऊंगा चल सीक्रेट बेस, जो इतना भी सीक्रेट नहीं है। ये वो स्लाइम ब्लॉक है वो तेरी, चलो कोई नहीं इसको भी लगा देंगे वापस से, स्लाइम ब्लॉक वाला ट्रैम्पोलिन देख चला के दिखाता हूँ। पहले तो ऊपर जाऊंगा, यहाँ से ऊपर ही जा सकते, नीचे आने का सिर्फ एक ही रास्ता, कूदो। और वैसे मैंने मेन एलेट्रा से उड़ने के लिए बनाया, एलेट्रा से उड़ूंगा तो इधर से उड़ूंगा, यहाँ से व्यू बहुत मस्त है। और वो जो दिख रहा है वो हरा हरा, वो मेरा ट्री हाउस है। हाँ कूदता हूँ एक बार, और ये हम लोग कूद गए, और ये उई मस्त है ना, लेकिन यहाँ से हेलियो में जब तक तेरा थोड़ा कम ना हो जाए वरना डैमेज लग सकता है। ओके
तब हम ट्री हाउस की तरफ चले या सीक्रेट रूम की तरफ? चल अभी ट्री हाउस दूर है, सीक्रेट रूम की तरफ ही चलते हैं, जिसके दो एंट्रेंस है मैंने बताया था, वो तेरे को दिखाता हूँ कैसे दो एंट्रेंस है। चल भाई वो रहा मेरा सीक्रेट बेस, जो कि कोबलस्टोन की इमारत है, बहुत बड़ा महल है। मैंने पहला रास्ता अलग बनाया था, लेकिन बाद में बनाया मैंने सोचने के बाद में, काफी रात भी हो रही है, पहले सोता हूँ फिर दिखाता हूँ। चल अभी रात नहीं हुई वैसे पूरी तरह, चल तब भी कोई नहीं, गेट तो बंद कर ही लूँ तेरी। तो सबसे पहली है वो ये है कि हमें यहाँ पे जाना रहता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर इस वाले कोने में एक लीवर है, उसे दबाया और ये खुल गया रास्ता सेल्फ होल्डिंग वाला। तो ये मैं नीचे गया, यहाँ पे लीवर होगा एक, इसको बंद करने के लिए, थोड़ा ऊपर है ये रहा, नहीं ये तो लैंटन है साइड में, हाँ ये रहा। अगर तूने यहाँ से बंद कराया तो आते वक्त भी यहीं से निकल लियो, और बाकी दूसरा एग्जिट में दिखा दूँगा। पहुँच गया तो दरअसल ये सीक्रेट बेस नहीं, स्टोरेज रूम है मेन, मेनली बताऊँ तो ये स्टोरेज रूम है मेन, यहाँ डायमंड एमराल्ड लैपिस लाजुली सब है, यहाँ डायमंड के ब्लॉक्स हैं, लैपिस एमराल्ड है, ये लैपिस होगा, हाँ लैपिस है, गोल्ड है, आयरन रेड स्टोन सब है, कोल है, और ये आयरन नहीं क्वार्ट्ज है, नेदर क्वार्ट्ज है, कोबल स्टोन, स्टोन सैंड सब कुछ है, और वहाँ पे थोड़ी सी वुड है, और एक छोटा सोने के लिए रूम है, और थोड़ा फर्नेस। सोते हैं ज़रा, ब्राइटनेस बढ़ा लो शायद से कम है, तो ये सो के उठा। मस्त लग रहा होगा, बाकी तेरे को दूसरी एंट्रेंस दिखाऊँ तो वो थोड़ी खतरनाक है, बिकॉज आई एम डेयर डेविल। यहाँ से तेरे को स्विम करके जाना होगा, डबल टैप वाला जो स्विम होता है, वो यहाँ से निकल के यूँ निकल के ऊपर जाके इधर जाके फिर यहाँ से ऐसे, लेकिन मेरे पास तो कॉन्क्रीट की पावर है इसलिए मैंने इजीली कर लेता, यहाँ से एकदम छुपा रखा है इस तरह से, यहाँ से नहीं थोड़ा नीचे से ऊपर से गिरा। ये तो जैसे देख ही रहा है, मतलब टोटली धमाल बना रखा है मैंने इसको। ट्री हाउस में दिखाऊंगा, लेकिन अब अगली वीडियो में दिखाऊंगा ट्री हाउस, क्योंकि भाई टाइम बचा ही नहीं मेरे पास, फोन मेरे स्विच ऑफ होने वाला है, ठीक है, ट्री हाउस अब बाद में दिखा दूंगा।